एक तरफ शिक्षा के नाम पर ठगी की वारदात तो दूसरी ओर शिक्षा के नाम पर चाल लेने की कोशिश। जी हाँ, कुछ ऐसा ही माजरा नजर आया राजस्थान के उदयपुर में, जहाँ इस बार एक बच्चे ने अपने ही टीचर की जान लेने की कोशिश की और उस पर तलवार से हमला बोल दिया। नवी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को टीचर का टोकना पसंद नहीं आया, जिसके बाद पहले उसने एक लकड़ी से वार किया और फिर टीचर के सिर पर बोल दिया तलवार से हमला। यूं तो अक्सर सामने यही आता है कि पढ़ाई के नाम पर किसी टीचर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोपों का दौर। लेकिन इस बार उदयपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां नवी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को अपने हेडमास्टर साहब का टोकना नागवार गुजरा और फिर उस पर ऐसा गुस्सा हावी हुआ कि उसने अपने ही टीचर की जान लेने की कोशिश कर डाली। सामने आया है कि जिस वक्त हेडमास्टर स्कूल का राउंड कर रहे थे, उसी दौरान एक क्लासरूम में बच्चों के शोरगुल की आवाज आई और जब ये यहाँ पहुंचे तो आरोपी बच्चा दूसरी बच्चियों के साथ मस्ती करने में जुटा था, लेकिन टीचर के टोकने पर पूरी तस्वीर ही पलट गई। दो अध्यापक अंदर क्लास में थे और बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो मैं अपना दायित्व समझ के अंदर गया तो बच्चा एक आठवीं कक्षा का बच्चा वो क्लास में लड़की के साथ में मस्ती कर रहा था। मैंने उसको डांट के जैसे ही बाहर निकाला तो वो लड़का बाहर की स्कूल गेट के पीछे वाले गेट की तरफ भाग के गया। वहाँ से भागता हुआ पुनः बस एक मिनट के अंदर, एक कुछ क्षण के अंदर वापस आया वो, उसके हाथ में एक लड़की थी, उसने आके मेरे को मारा जिसकी चोट मेरे आई है। हेडमास्टर के साथ हुई इस वारदात पर दूसरे बच्चों का भी कहना है कि आरोपी बच्चे को टोकना उसे ठीक नहीं लगा और उसने हेडमास्टर पर हमला कर दिया। वो इमली देने के लिए हमें क्लास में आया, एक क्लास में इमली दे दी थी कि थोड़े दोस्तों से ऐसे मिला कर रहा था, फिर हमारे पास में बैठा था वो, तो सर हमें क्लास में आया था, सर ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरी क्लास ऊपर चल रही है, तेरे को ऊपर पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो सर ने लगे उसको मारा, फिर वो भी सर को मारने लग गया था। बच्चे द्वारा हेडमास्टर पर किए गए जानलेवा हमले की वारदात के बाद आरोपी छात्र को पुलिस ने निरुद्ध कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। समनपुरा के प्रधान अध्यापक विनोद माथुर ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि उनकी स्कूल के कक्षा 8 का विद्यार्थी कक्षा 9 में लड़कियों के बीच में बैठ के गलत हरकतें कर रहा था, जिस पर उसको टोका तो गया और घर से तलवार लाके और उनके सर पे चोट मारी, जिस पर उनके 2-3 टांके आए हुए हैं और इस पर 307, 332, 353 में मुकदमा पंजीबद्ध करके और आरोपी अक्षरी को डिटेन किया गया है। शिक्षा के मंदिर में हुई इस वारदात ने वाकई पुलिस को भी चौंका दिया है, वहीं बच्चों में भी खौफ छाया हुआ है। लेकिन इस वारदात ने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कोई टीचर अगर किसी बच्चे को टोके या फिर डांटे तो उसके बाद आखिर इस तरह की तस्वीर समाज को क्या पैगाम देती है। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनुराव की रिपोर्ट।